गोकुल जो है ये हमने ईयर 2000 में से एस्टेब्लिश किया था। हमने पहले तो ये कोशिश की कि हम यहाँ पर देखें कि जो भी फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए हमने मेडिकल कैंप्स लगाए और आज तक हम 23 मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ लाइक मेडिसिन है, डिफरेंट टेस्ट वगैरह हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग आर्टिफिशियल एड अप्लाइंसेस ये फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये सेंटर एस्टेब्लिश किया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम मुझे फैट की प्रॉब्लम्स थी, पहले ये था कि मैं चल नहीं पाऊँगी, तो मैम ने मुझे उठाया और चलना सिखाया, लाइक एक मम्मी मदर्स होती है हमारी, तो वो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, उसमें रोल पापा का भी साथ होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैम ही थी जो एक मेरे मम्मी पापा की तरह मुझे ट्रीट कर रही थी। जब ये होने वाला था ना तो मुझे जॉन्डिस हो गया था, और उसके बाद होने के मतलब करीब 1-1.5 घंटे के बाद ये पूरा नीला पड़ गया। 6 महीने तक भी ये आधा नीला था, किसी को ये नहीं था कि ये सही होगा। यहाँ आई, मैम से मिली, मैम ने यहाँ गाड़ी लगा रखी है, आप गाड़ी में आओ और फिजियोथेरेपी कराओ करके बताया। धीरे धीरे बोलना भी सीख गया, बीच में कैसे बोलते हैं और ये क्या कहते हैं प्रोग्राम होते हैं उसमें गाना गाना सीख गया। एक्चुअली मैं खुद भी पोलियो अफेक्टेड हूँ, तो लेकिन पोलियो अफेक्टेड होने पर भी मुझे फैमिली का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला था, और उसी एटमॉस्फेयर की तर्ज पर इस गोकुल को मैंने बनाने का प्रयास किया है, इट्स ए फैमिली। आज इन बच्चों की वजह से मुझे अपनी लाइफ बहुत ही फील्ड, और मुझे महसूस होता है कि मैं एक बहुत ही परिपूर्ण ज़िंदगी को जी रही हूँ। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती, अगर आपका पाँव कमज़ोर है, हाथ कमज़ोर है, आपका कद छोटा है या आप खूबसूरत नहीं हैं, तो भी ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये समझने की ज़रूरत है। जब आप ज़िंदगी को खूबसूरत समझते हैं तो उसकी जो चमक आपके चेहरे पर आती है वो आपकी सारी कमियों को जो है ना छुपा देती है।